हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पारुल्स कुक बुक। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ में मक्की की रोटी की रेसिपी। सर्दियों में आप इसको सरसों के साग के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। सरसों के साग की रेसिपी आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक बोल ले लिया है, इसमें 1.5 कप हम मक्की का आटा ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर एक बॉयल आलू ले लिया है, जैसे मैश कर लिया है, वो इसमें ऐड कर दिया है। 1/2 चम्मच नमक, थोड़ा सा धनिया पत्ती डालेंगे हम इसमें। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके गुनगुना पानी ऐड करेंगे। इसमें लगभग 1/2 कप पानी डाला है मैंने। इसको 4-5 मिनट तक हम ऐसे गूंथ लेंगे, इससे ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा और अच्छे से रोटी बन पाएगी। मक्की की रोटी का आटा लगकर तैयार हो गया है। मैंने मीडियम हीट पर तवा गर्म होने रख दिया है। अब रोटी बेल कर तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ एक लोई तैयार कर ली है। अब हाथ पर थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे हम और इसको हाथ से धीरे धीरे प्रेस करते हुए बढ़ाते चले जाएंगे। रोटी को धीरे धीरे घुमाते हुए हमें इसको बढ़ाना है। रोटी बन गई है। आप अपने अकॉर्डिंग बड़ी या छोटी, जैसी चाहे वैसी रोटी बना सकते हैं। अब इसको तवे पर डाल देंगे। अब इसको हाथ से थोड़ा सा और प्रेस कर लेंगे, इससे रोटी थोड़ी पतली हो जाएगी। अब इसको एक साइड से सिक जाने देंगे। रोटी सिक गई एक साइड से, अब इसको पलट देंगे। अब इस पर और एक रोटी डाल देंगे, इसको भी सेक लेंगे। ऐसे हम बाकी सारी रोटियां बनाकर तैयार कर लेंगे। अब रोटी को गैस पर सेकना है। मैंने ये ग्रिल गरम कर लिया है, इस पर रोटी को पलट कर हम अच्छे से कुरकुरा कर लेंगे। इसको अलट पलट कर ऐसे सेक लेंगे हम। मक्के की कुरकुरी रोटियां बनकर रेडी हो गई हैं। अब इन पर हम घी या मक्खन, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, और इसको सरसों के साग के साथ में एंजॉय कीजिए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और भी नई रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।